हर स्टेप पे आपको पैसा देना होता है, वो कॉलेज को लेना होगा, अदरवाइज ये सीट जो आपकी है वो कैंसिल्ड हो जाए। और यही एक टर्निंग पॉइंट है, वहां पे मैक्सिमम कटऑफ जंप देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एमपीडीटी की काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है। और ये काउंसलिंग अगर हम अदर काउंसलिंग से कंपेयर करें तो थोड़ा डिफरेंट सेगमेंट में चलता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी है। और इन प्रोसेस को अगर हम अच्छे तरीके से नहीं समझते तो अगर हम एमपीडीटी की काउंसलिंग करने जाते हैं तो उसका 100% बेनिफिट हम नहीं उठा पाएंगे और बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांस रहेंगे, और इन मिस्टेक्स के कारण हम अपने काउंसलिंग को 100% ऑप्टिमाइज भी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम ए टू जेड चीजों को समझेंगे एक्सप्लेन्ड वे से, एंड आई गारंटी जब वीडियो एंड होगा तो आप एमपीडीटी के काउंसलिंग एक्सपर्ट खुद ही बन जाओगे। एमपीडीटी की काउंसलिंग जेईई मेन रैंक के बेसिस पे कराई जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एमपी के अलावा जो अदर स्टेट कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल होते हैं इस काउंसलिंग के लिए, बस आप जेईई मेन दिए हुए होने चाहिए। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें 90% सीटें रिजर्व होती हैं एमपी के कैंडिडेट के लिए, एंड 10% सीटें ऑल इंडिया कोटा से दी जाती हैं। बट प्राइवेट कॉलेज में आपको ये एडवांटेज देखने को मिलता है कि मैक्सिमम सीटें ऑल इंडिया से ही दी जाती हैं इस काउंसलिंग में। कैटेगरी रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर सब कैटेगरीज रिजर्वेशन भी देखने को मिलता है, बट ये केवल वैलिड होता है एमपी के कैंडिडेट के लिए। अगर आप आउटसाइड से हो और आप किसी भी कैटेगरी से फॉल कर रहे हो तो आप जनरल में ही कंसिडर होगे, कैटेगरी रिजर्वेशन अदर स्टेट वालों को यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अब ये तो था कुछ बेसिक डिटेल, अब आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको एमपीडीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब इसके लिए डेट्स अभी आएंगे तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, जैसे भी कोई काउंसलिंग की डेट आती है तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखना क्योंकि रेगुलरली यहाँ पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कुछ बेसिक डिटेल भरने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। अगर आप आउटसाइड एमपी हो तो बस आपको 12th का एंड 10th का मार्कशीट अपलोड करना होता है, लेकिन वहीं अगर आप इनसाइड एमपी हो तो आपको डोमिसाइल भी अपलोड करना होता है। अगर कैटेगरी कुछ लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है। अगर आप TWF के लिए मतलब ट्यूशन फी वेवर सीट के लिए जा रहे हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपने फादर या मदर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही होता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है तो आपको SMS के थ्रू जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है वहां पे SMS के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाता है एक टेम्पररी पासवर्ड के साथ। अब इस टेम्पररी पासवर्ड को आप फिर से अपने एक परमानेंट पासवर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। इसके बाद क्या होता है, जब भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है एक मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में आपको दिखाया जाता है कि जितने भी बच्चे एमपी में रजिस्टर्ड किए हैं उसमें आपका नंबर क्या, मतलब एक एमपीडीटी का भी रैंक आपको मिलता है। हालांकि काउंसलिंग जो होगा वो आपका जेईई मेन रैंक के बेसिस पे ही रन करेगा, लेकिन एक आपको रफ प्रेडिक्शन मिल जाता है कि कितने बच्चे मेरे से ऊपर और भी रजिस्टर्ड किए हुए हैं। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चॉइस फिलिंग का। अब चॉइस फिलिंग के टाइम पे ही आपको 1500 प्लस GST अमाउंट भरना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये कोई भी अमाउंट आपसे नहीं लेता है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे ये अमाउंट आपको देना होता है। और यहाँ पे सबसे खास बात इस काउंसलिंग की ये है कि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया लगा हुआ है चॉइसेस का, कि मिनिमम आपको 10 चॉइसेस भरने ही हैं। तो अगर आप काउंसलिंग के अंदर अलॉटमेंट चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10 चॉइसेस भरना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा कितने भी चॉइसेस भर सकते हो, तो यहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क, चॉइस फिलिंग के मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और एप्लीकेशन पे आपको दो ऐसे टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काउंसलिंग को कर सकते हो बिना किसी के भी हेल्प के। सबसे पहले आपको प्रेडिक्टर के सेक्शन में जाना, प्रेडिक्टर में ही आपको एमपीडीटी का कॉलेज प्रेडिक्टर मिलेगा। वहां पे जाके अपनी रैंक को फिल करो और जो भी आपके डिटेल्स हैं वो डिटेल्स को फिल करके आप प्रेडिक्टर को रन कर लो। अब ये जो कॉलेजेस आपके पास खुल के आ रहे हैं वो कॉलेजेज आपको मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, प्रीवियस कुछ सालों में उस रैंक पे ये कॉलेज गया हुआ है, तो वो सारे कॉलेजेस आपके पास खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे लेट करो कि आपको कुछ सेलेक्टिव कॉलेजेस देखने हैं या कुछ सेलेक्टिव ब्रांच के साथ कॉलेजेस देखने हैं, तो आप फिल्टर के ऑप्शन पे जाओगे। ब्रांच में जैसे मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो मेन मेन ब्रांच है उन ब्रांचेस के साथ मेरे को फिल्टर लगा के देख लेना है, तो मैं अप्लाई करूंगा। तो अब मेरे पास वही कॉलेजेस खुल के आएंगे जो उस ब्रांच के साथ मुझे मिल सकते हैं। तो ये सारे कॉलेजेस हमारे पास खुल के आ गए, तो इसका एक शॉर्ट लिस्ट आप कर लोगे कि आपके माइंड में फिटअप हो जाएगा कि आपको फाइनली आपके रैंक पे कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब ये तो आपने प्रिडिक्ट कर लिया, आप चॉइस फिलिंग कैसे करें इसके लिए हम चॉइस फिलिंग टूल पे जाएंगे। तो चॉइस फिलिंग टूल्स पे जाने के बाद हमको एमपीडीटी के चॉइस फिलिंग पे जाना है। अब यहाँ पे जो जो मेरे को ब्रांच चाहिए, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगा जो जो मेरे को ब्रांच चाहिए। सारे ब्रांचेज मैंने सेलेक्ट कर लिए जो जो मेरे को चाहिए, अब मैं अप्लाई कर दूंगा। अब इसके साथ साथ जो जो मेरे को इंस्टीट्यूट चाहिए जिसमें इंटरेस्टेड हूँ एडमिशन लेने के लिए, या फिर कॉलेज प्रेडिक्टर में मैंने देख रखा था तो कुछ सेलेक्टिव इंस्टीट्यूट का शॉर्टलिस्टिंग मैंने किया हुआ था, उनके हिसाब से मैं कुछ कॉलेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ।
अब अप्लाई करने के बाद ये प्रिफरेंस ऑर्डर एक स्टैंडर्ड वे में खुल के आ गया, जो प्रीवियस कुछ ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो एक स्टैंडर्ड चॉइस फिलिंग होती है वो मेरे पास खुल के आ गई। अब इसका मीनिंग समझना, जो आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये प्रिफरेंस ऑर्डर दिखा रहा है कि ये स्टैंडर्ड प्रिफरेंस ऑर्डर है। अब लेट करो कि मैं इस प्रिफरेंस ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे को SDITS का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी चलेगा ब्रांच, तो मैं उसको ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, IIT DAV से। उसके बाद मैं SDITS का ही ट्रिपल ई ब्रांच फिर IIT DAV से ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को SDITS में ही पहले प्रायोरिटी में एडमिशन लेना, फिर अदरवाइज मेरे को IIT DAV देखना। तो ये मैंने अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस ऑर्डर को सेट कर दिया। फिर IIT DAV के बाद जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को मेरे को थोड़ा सा नीचे करना है और MITS को ऊपर करना है। ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो। तो ये मैंने एक चेंज करके इस चॉइस को मैंने प्रेफरेंस वन से सेव कर दिया, प्रेफरेंस वन से सेव कर दिया और सबमिट कर दिया। अब ये जो चॉइस फिलिंग है ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ रेडी होके आ गया। अब लेट करो मेरे को लगा कि कुछ ऑप्शंस मेरे छूट गए थे, मेरे को और भी सेलेक्ट करना चाहिए था, तो आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। आप एडिट चॉइस पे जाओगे और जहां पे भी कोई ऑप्शन आपको ऐड करना है, लेट करो मेरे को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नीचे कोई ऑप्शन ऐड करना है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नीचे जाऊंगा, फिर प्लस के साइन पे मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरे को जो जो चॉइसेस मैंने छोड़ रखे थे, मतलब जो जो चॉइसेस मैंने नहीं भरा हुआ है इस चॉइस फिलिंग में, वो सारे चॉइसेस मेरे पास खुल के आ जाएंगे एक प्रिफरेंस सिक्वेंस में, मतलब परफेक्ट सिक्वेंस में खुल के आ जाएंगे। अब उस सिक्वेंस में लेट करो कि मैं SDITS का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड करना चाहता हूं और IIT DAV का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐड करना चाहता हूं जबलपुर के कंप्यूटर साइंस के नीचे, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये दोनों कॉलेजेस वहां पे ऐड हो जाएंगे और साइड में ये इंडिकेट भी करेगा कि एक्चुअल में ये प्रिफरेंस ऑर्डर 16वें और 17वें नंबर पे स्टैंडर्ड चॉइस फिलिंग से रहने चाहिए थे, मतलब जो क्लोजिंग कट ऑफ गया उसके अकॉर्डिंग इसका प्रेफरेंस ऑर्डर 16वें और 17वें नंबर पे रहना चाहिए, बट मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया क्योंकि मेरे को SDITS चाहिए था, तो इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग रख लिया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही रखो, अगर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना है, कॉलेज प्रेफरेंस देना है, तो आप थोड़ा बहुत चेंज करके इसको सेव कर सकते हो। अब मैंने कंफर्म कर लिया, अब मेरी चॉइस प्रेफरेंस अपडेट हो गई और नया चॉइस प्रेफरेंस बन के आ गया। अब वहीं पे लेट करो कि मेरे को और एक प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है, एक स्टैंडर्ड प्रेफरेंस ऑर्डर बनाना है कुछ प्राइवेट कॉलेज, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज के साथ जो मैंने उस समय नहीं देखा था, और सारे ब्रांचेस के साथ, या फिर कुछ ब्रांचेस को हटा देता हूं और बाकी ब्रांचेस के साथ मेरे को एक और फॉर अ सेफ साइड बना के रखना है। तो मैंने अप्लाई कर दिया और यहां पे कुछ कॉलेजेस को हटा के सेलेक्टिव कॉलेजेस के साथ लेट करो मैं बनाना चाहता हूं, मैंने अप्लाई कर दिया। इंस्टीट्यूट टाइप में मैं प्राइवेट को अभी हटा दे रहा हूं, प्राइवेट को मेरे को नहीं चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अब उसके अकॉर्डिंग मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर रेडी होके आ गया, मेरे पास दो प्रेफरेंसेस आ गया, प्रेफरेंस वन प्रेफरेंस टू। अब इसको भी मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ से एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। फाइनली जब मेरा माइंड रेडी हो जाएगा कि मेरे को कौन सा प्रेफरेंस भरना है तो उसको एज इट इज जाके मैं पोर्टल पे भर दूंगा और आपकी चॉइस फिलिंग नीट एंड क्लीन होगी। तो देर किस बात की, कॉलेज टी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करो और ऐसे ही हर काउंसलिंग की आपको प्रिडिक्टर प्लस चॉइस फिलिंग वहां पे देखने को मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइसेस को लॉक भी करना है, तो चॉइसेस लॉक करने के बाद आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आएगा। अब फर्स्ट राउंड के सीट अलॉटमेंट पे दो कंडीशंस यहाँ पे जनरेट होंगे, पहला जिनको कॉलेज नहीं मिला, तो जिनको कॉलेज नहीं मिला उनको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में जो फर्स्ट अपग्रेडेशन राउंड है उसमें एलिजिबल हो जाओगे। अब जिनको कॉलेज मिला है उनको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो केसेस मिलेंगे। पहला आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि जो कॉलेज आपको मिला हुआ उसके साथ आप 100% सेटिस्फाइड हो, आप वो कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो। अब फाइनली आप काउंसलिंग से आपका कोई लेना देना नहीं, नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप एक कॉलेज का एक सीट लेके बाहर निकल गए अपना एडमिशन फिक्स करके। तो यहाँ पे आप अगर अलॉटमेंट के बाद रिपोर्ट करते हो तो इट मींस दैट कि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप फाइनली मन बना लिए हो वही कॉलेज में उसी ब्रांच के साथ पढ़ने का। अब लेट करो कि आपको अपग्रेडेशन करना है, आपको चाहिए कि नहीं मेरे को ये कॉलेज मिल गया ये तो मेरे पास रहे लेकिन इससे ऊपर का कॉलेज भी मैं ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको अप्लाई करना है राउंड फर्स्ट अपग्रेडेशन में। अब राउंड फर्स्ट अपग्रेडेशन में जब अप्लाई करोगे तो वहां पे फिर से आपको 1030 रुपए का पेमेंट करना होगा। तो मैंने बोला था ना ये थोड़ा सा डिफरेंट काउंसलिंग है, हर स्टेप पे आपको पैसा देना होता है और पैसे के बाद ही आपका कोई भी प्रोडक्टिविटी यहां से मिलता है। तो 1030 रुपए का आपको पेमेंट करना होगा अपग्रेडेशन राउंड के लिए, और अपग्रेडेशन में आपको चॉइस मॉडिफिकेशन का मौका नहीं मिलता है, इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज MPDD की काउंसलिंग का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जो अपग्रेडेशन राउंड होता है वहां पे मैक्सिमम कट ऑफ जंप देखने को मिलता है। बिकॉज राउंड सेकंड में क्या होता है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन के कारण बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स बन जाते हैं, बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कट ऑफ लो जाने लगता है, लेकिन आपको मैक्सिमम एडवांटेज जो मिलता है राउंड फर्स्ट के अपग्रेडेशन में मिलता है। तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से राउंड वन का चॉइस फिलिंग करना है। अब आपका जो अपग्रेडेशन राउंड में अलॉटमेंट आ रहा है इसको फाइनली जाके आपको कॉलेज को लेना होगा, अदरवाइज ये सीट जो आपकी है वो कैंसिल्ड हो जाएगी।
अब यहाँ पे आपको मौका नहीं है कि सीट होल्ड करते हुए आप नेक्स्ट राउंड में जाओ। राउंड टू जो है एमपीडीटी की, वो एकदम सेपरेट काउंसलिंग हो जाती है, और आपने अगर एडमिशन ले लिया तो आप राउंड सेकंड में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड में एलिजिबल हो गए, लेकिन राउंड सेकंड में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो डायरेक्टली राउंड सेकंड में एलिजिबल हो जाएंगे। अब राउंड सेकंड में फिर से आपको रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाता है, और यही एक टर्निंग पॉइंट है कि यहां तक क्या होता है कि मैक्सिमम काउंसलिंग के मैक्सिमम राउंड बीत चुके होते हैं और बहुत बच्चों को कॉलेज नहीं मिला होता, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड में डिफरेंट काउंसलिंग में ट्राई कर रहे होते हैं, उनको कॉलेज नहीं मिलता, तो यहां पे वो एंट्री लेते हैं एमपीडीटी की काउंसलिंग में, और यहां पे क्या होता है क्राउड ज्यादा बढ़ जाता है और सीटें वैसे भी कम हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड और फर्स्ट अपग्रेडेशन राउंड में बहुत बच्चों ने सीट ले चुके होते हैं, तो सीटें कम हो गई, क्राउड ज्यादा हो गया, इसलिए कट ऑफ में इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। मैक्सिमम कॉलेज की कट ऑफ जो होती है वो फर्स्ट अपग्रेडेशन राउंड से कम चली जाती है यहाँ पे। तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, चॉइस फिलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग अमाउंट देना होगा जो कि 1500 प्लस जीएसटी का होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे कॉलेज नहीं लिए हैं फर्स्ट अपग्रेडेशन राउंड में वो भी एलिजिबल है, और जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं वो भी बच्चे एलिजिबल है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइसेस को लॉक करना होगा, फिर आपकी अलॉटमेंट आएगी। अब यहाँ पे जो भी आपकी अलॉटमेंट आ रही है फाइनली आपको अब जाके एडमिशन लेना होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली सीएलसी राउंड में, जो कॉलेज लेवल राउंड होता है, स्पॉट राउंड होता है, उसको सिंपली वे में समझ ले स्पॉट राउंड होता है, उसमें आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आ रहा है वो राउंड में आपको फाइनली जाके कॉलेज में रिपोर्ट करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और रिमेनिंग अमाउंट के साथ जाके आपको एडमिशन कंप्लीट करना होता है। अब ये सारे प्रोसेसेस खत्म होने के बाद इंटरनल कॉलेज लेवल ब्रांच चेंज राउंड शुरू होता है। अब कॉलेज लेवल ब्रांच चेंज राउंड का मतलब जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है उसमें आपने एडमिशन तो ले लिया, अब फर्दर आप चाह रहे हो उसी कॉलेज में कोई अपर ब्रांच की सीट खाली आती है तो हम अपने चांस को ट्राई करना चाहते हैं। मतलब आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा अगर सीट वैकेंट आती है और आपके रैंक पे मिल सकता है तो आपका ब्रांच चेंज यहां पे पॉसिबल हो जाता है। तो ब्रांच चेंज राउंड के लिए फिर से आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना होता है और फिर से चॉइस फिलिंग करना होता है, और यहाँ पे आपको केवल वही कॉलेजेस की चॉइस देखते हैं जो कॉलेज आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि लेट करो कि मेरे को SGIS ITS का IT ब्रांच मिला हुआ है तो मैं SGIS ITS का CSE ब्रांच उससे ऊपर डाल सकता हूँ। ये नहीं कि मैंने ECE भी डाल दिया, मैकेनिकल भी डाल दिया और IT को मैंने नीचे रख दिया तो फिर मेरे को मैकेनिकल मिल जाएगा तो फिर मेरे को IT नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं है कि वो मेरा IT बना रहेगा। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है कि जो भी उसके ऊपर डालो, जो आपको चाहिए, जो ब्रांच आपका इससे ऊपर आ रहा था वही ब्रांचेज को आप डालोगे तो फाइनली आपको जो इंटरनल ब्रांच चेंज राउंड है उसमें चांस होता है कि आपको अपग्रेड हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो एज इट इज आपका बना रहेगा। फाइनली इसके अलॉटमेंट के बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता, अगर आपका अपग्रेडेशन हो रहा है तो आप फाइनली उस ब्रांच में जाके बैठना शुरू कर दोगे, अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है तो आपका जो ब्रांच मिला हुआ है उस ब्रांच के साथ आप कंटिन्यू करोगे, फर्दर आपको कोई भी प्रोसेस करना नहीं होता। इसके बाद जो भी वैकेंट सीट्स आती है वो सीएलसी राउंड या फिर कहले स्पॉट राउंड में जाती है, ये कॉलेज लेवल पे होता है, तो आपको बस एमपीडीटी के वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर जो जो कॉलेज अपना स्केड्यूल निकालता है उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको फिजिकली जाके कॉलेज में जाना होता है, और आपके रैंक पे अगर कॉलेज मिल रहा है तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन लेना होता है। तो इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो बना देंगे। ओवरऑल यही समरी था एमपीडीटी का, आई होप ये वीडियो आपको क्लियरिटी बेसिस पे समझ आया हो। इसी तरीके के टॉप नॉच कंटेंट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये चैनल आपको काउंसलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।